आज पराड़कर भवन स्थित पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि काशी दुनिया की प्राचीनतम सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ सभी धर्मों, संप्रदायों एवं विभिन्न भाषा भाषी वाले लोग रहते हैं। यहाँ माँ गंगा के किनारे प्राचीन मंदिर, घाट, विभिन्न वैश्विक धरोहर और इमारतों की प्राचीनतम शैली देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन भाजपा सरकार की बनारस को आधुनिक बनाने की सनक ने बनारस के धरोहर और प्राचीनता को नष्ट किया है। वर्तमान सत्ता ने अभी हाल में ही बनारस में G20 के नाम पर सड़क किनारे के तमाम मकान और मोहल्लों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें सर्व सेवा संघ राजघाट इसका ज्वलंत उदाहरण है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में पूरे देश और दुनिया को सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से संगठित किया, जिसके लिए पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाती है। आज दुनिया गांधी जी की मूर्ति है और लोग उनके विचारों को मानते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महात्मा गांधी जी के विरासत सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उप्रोक कांग्रेस के लोगों ने बचाने का हर संभव प्रयास किया। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से अजय राय, राम धीरज के अलावा प्रदेश प्रवक्ता सजीव सिंह, राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, राहुल राजभर, सफक रिजवी, विकास कौंडिल्य, रोहित दुबे, शुभम राय, विनीत चौबे, महेश चौबे, किशन यादव, विनोद गौद्दा शामिल रहे। 2 तारीख जो हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं, उनके विचारों को मानते हैं और उनका आत्मसात लेकर हम चलते हैं। हम गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में सभोज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो दलित एक कमजोर है उसका सम्मान करेंगे, और जो आज इन्होंने पूरी तरीके से G20 के नाम पर जो गरीबों को उजाड़ा है, जो गरीबों के को घरों को ठगा जा रहा था, नाले को ठगा छिपाया जा रहा था, मीडिया से, प्रेस से, आम जनता से, जो दुनिया के डेलीगेट्स आए थे उनसे छिपाया गया, वो सारी चीज़ें हम जनता को बताएंगे 2 तारीख को। और 2 तारीख को हम निश्चित तौर से जो सर्व सेवा संघ की अपनी ज़मीन को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, जिस तरह ध्वस्त किया है, वो आम जनता के बीच पर हम लेकर जाएंगे और एक एक पूरे देश के लोगों को हम इसकी बात बताएंगे। भैया, हम तो आज तक जो पढ़े हैं, जो अभी तक सीखे हैं, वो स्वच्छता हमने सीखा है, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ अभियान सुना है कि भाई स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा चला जाएगा, स्वच्छांजलि तो मैंने नहीं सुना है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। श्रद्धांजलि मैंने सुना है, श्रद्धांजलि हमारे शब्दकोश में है, हमारे जो हमारे हिंदी साहित्यकारों ने, जो हमारे जानकारों ने दिया। स्वच्छांजलि यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की खोज है, RSS की खोज है। इस बारे में उनसे पूछेंगे, वो ज़्यादा बता पाएंगे। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान हमारा चलता रहेगा। सही बात है। ये गांधी जी के प्रति क्या भाव दर्शा रहा है, ये स्वच्छांजलि है या सफाई अभियान है या गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि है, ये जरूर, ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जरूर गांधी के जो विचार के लोग हैं, जो इस देश में गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, ये देश गांधी की विचारधारा पे चलने वाला है, इस देश को बताने का काम करें, ये हम सब लोग, ये कांग्रेस ये जानना चाहती है। और हमारे जो हमारे राम धीरज जी हैं, संजीव जी हैं, राघवेंद्र जी, सारे लोग, राहुल जी, सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप बताओ ये क्या है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं, हमारे नेता कभी कुली के बीच में बैठ रहे हैं, कभी कारपेंटर के बीच में बैठ रहे हैं, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल मैकेनिक के बीच में बैठ रहे हैं, कभी ट्रक में सफ़र कर रहे हैं। यही है अलग अलग फील्ड के लोगों को जोड़ना, ये भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा जो भाग है, यही चल रहा है, हम सब लोग उसमें काम कर रहे हैं। भाई भगवान आस्था का केंद्र है, हमारे राम हमारे आस्था का केंद्र हैं, और जब जब उनकी इच्छा होगी जाएंगे। आज हम सब लोग काशी में हैं, महादेव के यहाँ जाने में पूछा जाएगा कि हम कब जाएंगे, ये तो मोदी आते हैं तो बताया जाता है, सजाया जाता है, एक इवेंट होता है हमारा, वहीं इच्छा करिए, अब वहीं चल जाओ, अब यहीं जाके दर्शन कर रहे हर हर महादेव कर ले,
अब वही बाबा काल भैरव पे चल जाओ। तो ये तो हमारे आस्था का केंद्र है भगवान राम, जब इच्छा होगी राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अभी ओमप्रकाश राजभर ने भी बयान दिया कि कौन सा तोप उखाड़ लेंगे, इस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं उनके यात्राओं को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये लोग, इनके बारे के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, हम सब लोग गांधी के विचार को मानने वाले लोग हैं, गांधी ने कहा रघुपति राघव राजा राम, तो जब उन्होंने पति तपावन सीता राम, तो ये तो हमारी सोच है, हमारी भावना, इस देश की हमारी मूल सोल है हमारा, उसको कोई बदल देगा? हम उस पर काम करने वाले लोग हैं, जिसको जो बोलना है बोले, अब जो बोलेगा वो खुद बोलते बोलते थक कर बैठ जाए। सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है, क्या एक नई रूपरेखा रहेगी? हमारी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हम 80 सीट की तैयारी अपनी कर रहे हैं, अब क्या रूपरेखा होगा, क्या होगा गठबंधन स्वरूप, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बता पाएगा। हम लोग अपनी तैयारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं।